हमें रोटी पानी दे अपने हाथन तय करे करे। लेकिन एक बात बता रहा हूं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं माँ बाप तो जैसे बचपन में गंदगी तुम्हारे पास में रही और वैसे ही गंदगी बुजुर्गों के पास में रहती है। तो कुछ लोग तो घृणा मानते हैं, लेकिन घृणा नहीं माननी चाहिए। माँ बाप की गंदगी से कभी घृणा नहीं माननी चाहिए। अब बड़े बूढ़े हैं, उठ सकते नहीं, ज्यादा घूम सकते नहीं, समय पे नहा सकते ना, तो वो कहाँ जाएंगे? एक बुजुर्ग को, एक बुढ़े को एक कमरा दे दिया, चार बहुएं, चार में तो रोटी एक ना दे, एक कतई पानी की ना पूछे। और जब पानी की ना पूछे तो उनके मित्र आए मिलने, तो कमरा तो कारो फारो, कमरा कारो बुरो भात को डरो, और भाई में रोटी कर लो करे, मई रेख फेंक डरी रहो करे, और खटिया पे बिस्तर वैसो ही फट पुरानो उनको पड़ा था। बात नहीं करते, देखो को बात कर रहे। बात नहीं करते। अब इतना गंदा पड़ा तो उनके मित्र मिलने आए, मिलने की भैया राम राम, बोले राम राम, बोले तुम्हारी ये दशा कैसे हो रही है? मित्र तो कह देते हैं, भाई जिसके चार पुत्र हो, चार बहुएं हो और बाप दुखी हो तो देखने वाले लोग कह देते, कुछ लोग तो मजा लेते। ये आज बता रहा हूं, अपना दुख अपनी कमजोरी किसी के सामने रोए तो तुम्हारी कमजोरी को दुख साथ देने वाला तो एक होगा, लेकिन तुम्हारी मजाक बनाने वाले हजार खड़े हो जाएंगे। जैसे आज हमारी गजलन के ऊपर मजाक बन रही है। तो किसी को भी अगर बुरा लगे, ए लला, ए टोपा, बुरे आदमी से ये कहना कि चलो भागवत सुने आओ, तब तुम्हें और उनके दो चार प्रवचन दे दे, दे देगा? बोले तू ही सुनिया जा, तू ही तज जाइए मोहन तन्नो। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं। एक हमारी कथा चल रही थी अभी बरेली में, तो एक जिनके घर में हम रुकते थे, तो माता ने कहा कि शास्त्री जी इनते कहो कछु, जे कबो कथा सुनन ना जाता, तुम हमारे घर में रहते हो, इन्हें कोई मतलब ना है ना जे कथा सुने। तो हमने की कथा कैसे सुनवाए चाहती हो तुम? बोले इनते कहो जे कथा सुने करे, हमें भक्ति लाइन में बहुत आनंद आता है और कथा ने कहू निकल न जाए, हम बड़े मन तक कथा सुनते, लेकिन हमारे जे ना सुनते। हमने की तुम सुनाने का प्रयास करते हो? बोले दो तो मोबाइल फूट गए। मैंने कैसे? जब अच्छी चीज सुने और इनकी बात ना माने तो पद्दम मार देते। तो मैंने कि तुम्हें एकदम में इन्हें मिनिस्टर बना चाहती हूँ। भाई जब जिसको कथा अच्छी नहीं लगती, जिसे भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, भाई धीरे धीरे कथा सुनाना, ये मत कहो चल सुनिया है ना। कुछ भगवान की प्रशंसा उसके मुंह पे थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। एकदम कथा सुनाओगे भाई पलटी है जाए उसे। धीरे धीरे जैसे नीम करुआ होता है, नीम करुआ होता है, दवा कितनी कड़वी होती है, और जब ज्यादा कड़वी दवा होती है तो किसी शहद में मिला के दी जाती है। तो जो लोग कथा न सुनने वाले हैं, जब तक उन्हें शहद नहीं मिलाओगे तब तक वो कथा में बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो धीरे धीरे उन्हें धर्म के मार्ग पर लाओ। बोले गोविंद भगवान की, ये सुभाष राजपूत और जयराम राजपूत को, जयराम बाबा। अच्छा,